अगर कोई इंसान खुद को पुण्य आत्मा बताता है और दूसरों को पापी बताता है तो समझ लीजिएगा कि पापी इंसान ही खुद को पुण्य आत्मा बताता है, खुद पापी इंसान दूसरों को पापी बताता है। ऐसी ही गलती अर्जुन भी कर रहा है। भगवत गीता के अंदर अर्जुन बहुत सारी गलतियां कर रहा है और यही गलतियां डिप्रेशन का कारण भी बनती है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी खुद कहता है कि मैं ठीक हूं, बाकी दुनिया बीमार है, मैं तो ठीक हूं, मैंने ठीक किया, मैंने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन दूसरे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति घर में रहता है, काम नहीं करता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है, लेकिन दोष दूसरों में निकालेगा कि दूसरे उसे परेशान कर रहे हैं, इलाज की जरूरत दूसरों को है। ऐसी ही गलती अर्जुन भी कर रहा है। आप खुद भगवत गीता के इन श्लोकों में देखिएगा, भगवत गीता के पहले अध्याय के दो महत्वपूर्ण श्लोक 37वां और 38वां, अर्जुन कहता है, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन कह रहा है कि कौरव, दुर्योधन या उनके जो संबंधी हैं, उनकी सेना में जो शामिल हुए हैं वो पापी हैं, उनको दोष दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, हमें पाप नहीं करना चाहिए और इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। अगर हमें दूसरे मूर्ख दिखाई दे रहे हैं और खुद को लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो समझ लीजिएगा कि आप खुद मूर्ख हैं, इसलिए आपको दूसरे मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। अगर दूसरे पापी नजर आते हैं तो वो पाप खुद के अंदर होता है। जो इंसान दूसरों को बेईमान कहता है तो समझ लीजिएगा कि बेईमानी उसके अंदर ही है। जो दूसरों को लोभी कहता है, समझ लीजिएगा कि लोभ उसके अंदर ही है। जो इंसान दूसरों को बीमार कहता है तो समझ लीजिएगा कि बीमार वो खुद है। तो जैसे हम अंदर से होते हैं वैसा वैसा हमें बाहर दिखाई देने लग जाता है। अगर हमें दूसरों में कमियां नजर आती है, दूसरों में व्याधि नजर आती है, तो वो व्याधि हमारे अंदर ही है, वो कमजोरी हमारे अंदर ही है। दूसरों में तो हमें उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, परछाई नजर आ रही है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है और कटु सत्य भी है कि हम जैसे अंदर से होते हैं बाहर वैसा ही देख लेते हैं। अगर हमारे अंदर चोरी है तो हमें बाहर चोर ही दिखाई देंगे। अगर हमारे अंदर बेईमानी है तो हमें सारे बेईमान ही दिखाई देंगे। अर्जुन को भी कौरव पक्ष लोभी और पापी दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन खुद पाप कर रहा था। अर्जुन क्या पाप कर रहा था? युद्ध से हटने का पाप, लेकिन उसे वो बुद्धिमानी का चोला पहना रहा था कि हम तो बुद्धिमान हैं, हमें पाप से हटने के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन अर्जुन का युद्ध से हटना ही सबसे बड़ा पाप था। कैसे था ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कैसे अर्जुन को एहसास करवाते हैं कि तू जो युद्ध से भागना चाह रहा है ये सबसे बड़ा पाप है, ये तेरी बुद्धिमानी नहीं है, ये तेरी नासमझी है, ये तेरी मूर्खता है। तो कैसे अर्जुन को एहसास हुआ ये हम जानेंगे भगवत गीता के आगे के अध्यायों में, आगे के श्लोकों में। तो आप भगवत गीता के साथ और इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। जय भगवत गीता। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।